Good morning, class 7th. Students, in the previous classes, we have started chapter number 4, the Mughal Empire, and we have done the introductory part of this chapter and the list of all the Mughal emperors, and we have done one Mughal emperor, that is Babur. And in this class, we are going to cover the Humayun and Sher Shah Suri. So, let's start with Humayun. The time period of Humayun has been mainly divided into two parts because of Sher Shah Suri. हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि इनका टाइम पीरियड दो बार में है, क्योंकि बीच में किसने हमला कर दिया था, हमला इन द सेंस कि कौन रूल ओवर करने लग गया था 15 ईयर्स तक, तो वो 15 ईयर्स शेर शाह सूरी मीन्स सूर डायनेस्टी रूल ओवर करती है. बिकॉज ऑफ दिस ये जो 15 साल का गैप है वो आ जाता है. नाउ हुमायूं वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ बाबर. सो बाबर वॉज सक्सीडेड बाय हिज एल्डेस्ट सन हुमायूं. उनके सबसे बड़े सन थे. तो उसी तरीके से हम और बेटों के अगर नाम लें तो उनके और ब्रदर्स मीन्स हुमायूं के ब्रदर्स थे, जैसे कामरान, हिंडाल एंड अक्सारी. तो बाबर उनमें से सबसे हम श्रेष्ठ कहें तो बिकॉज ऑफ उनकी दूरदर्शिता हुमायूं की बहुत अच्छी थी, इस वजह से बाबर ने उन्हें नेक्स्ट रूलर बनाया. अब एक बेटे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल गई तो बाकी सारे जो बेटे थे वो डिससेटिस्फाइड हो गए कि आपने हमें तो ऐसे ऐसे राज्य दे दिए और हुमायूं को इतना बड़ा एम्पायर दे दिया. तो इस वजह से जो उनके और ब्रदर्स थे वो डिससेटिस्फाइड थे इस फैसले से. सो उनकी जो रीजंस थे उनसे इस वजह से उनके डिससेटिस्फैक्शन की वजह से हुमायूं को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा. बड़ा साम्राज्य तो बाबर ने छोड़ दिया था, बड़ा एम्पायर छोड़ दिया था, बस उसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि उनके ब्रदर्स भी उनके साथ में नहीं थे. एम्बिशंस ऑफ कामरान वीकेंड हुमायूं कॉज अगेंस्ट अफगान कॉम्पिटिटर्स. अफगान भी उनके एक बड़े कॉम्पिटिटर्स थे, अफगानिस्तान अफगान्स. सो कामरान की एम्बिशंस मीन्स उनकी बहुत ज़्यादा चाह थी पूरे इंडिया को रूल ओवर करना. उनकी चाह ने भी हुमायूं के एम्पायर को धीरे धीरे वीक करना शुरू किया और एक तरीके से अफगान रूलर को इंडिया में आने का इन्विटेशन भी मिल रहा था. बहादुर शाह द रूलर ऑफ गुजरात, गुजरात पता है किस डायरेक्शन में है, राजस्थान के नीचे, वॉज थ्रेटनिंग दिल्ली. एक तरफ कामरान परेशान कर रहा है, एक तरफ अफगान रूलर परेशान कर रहे हैं, एक तरफ गुजरात का रूलर परेशान कर रहे हैं. इन ईस्टर्न इंडिया में शेर शाह एक अफगान रूलर था, वो परेशान कर रहा था. तो एक तरीके से हम कहें चारों तरफ से परेशानियाँ ही परेशानियाँ थी हुमायूं के लिए. द राइवलरी 1532 में शेर शाह से स्टार्ट हो जाती है, बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो गई है. मतलब 2 साल के बाद ही इन लोगों के बीच में वॉर्स शुरू हो चुके हैं शेर शाह सूरी एंड हुमायूं के बिटवीन. हुमायूं डिफीटेड शेर शाह आर्मी एंड कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ चुनार. हुमायूं प्रोसीडेड टू गुजरात एंड क्रश द रेबेलियन ऑफ बहादुर शाह जफर. तो जब वॉर होता है तो शेर शाह सूरी को हरा दिया जाता है और फिर वो किसको हराने के लिए बढ़ते हैं, बहादुर शाह को, जिससे वो पहले परेशान थे. वाइल हुमायूं वॉज ऑक्यूपाइड विद गुजरात, शेर शाह री ऑक्यूपाइड हिज फोर्सेज एंड डिफीटेड हुमायूं एट चौसा इन AD 1539. A year later, शेर शाह अगेन डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ कन्नौज इन AD 1540. तो जब वो बहादुर शाह जफर को हरा रहे थे, वाइल हुमायूं वॉज ऑक्यूपाइंग गुजरात, जब बहादुर शाह जफर को हरा के हुमायूं ने उनके एरिया को, बहादुर शाह जफर के एरिया मीन्स गुजरात को ऑक्यूपाई कर लिया, तो शेर शाह ने जिसको उन्होंने 1532 में हरा दिया था उसने वापस से अपनी आर्मी को यूनाइट किया और वापस से उन्हें हरा दिया. तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई. तो हम एक बार उसको क्लियर कर लेते हैं. हुमायूं राजा बन गए, शेर शाह से उनकी लड़ाई हुई 1532 में, हार गए शेर शाह सूरी. तो जब इनके हारने के बाद हुमायूं जाते हैं गुजरात में बहादुर शाह जफर को मारने के लिए इन द सेंस उन पर ऑक्यूपाई करने के लिए. तो जब वो गुजरात को ऑक्यूपाई कर लें तो ये क्या आता है, ये वापस से री यूनाइट होके इन्हें ही हरा देता है. तो 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज में शेर शाह सूरी अगेन डिफीटेड हुमायूं, शेर शाह सूरी उन्हें हरा देता है और इस तरीके से शेर शाह सूरी मीन्स सूर डायनेस्टी की स्टार्टिंग हो जाती है 1540 से. अब देखिए 10 साल इन्होंने रूल किया,
10 साल के बाद कौन सी डायनेस्टी आ जाती है, शेरशाह सूर की सूर डायनेस्टी। एक बार हम लोग शेरशाह को पढ़ेंगे, उसके बाद जो लेफ्ट ओवर हुमायूं का पैराग्राफ है वो हम लोग देखेंगे। शेरशाह सूरी 1540 to 1555, मैं यहाँ पर एक बार इसको पॉइंट आउट कर देती हूँ, उनके टाइम पीरियड को 1540 to 1555, 15 ईयर्स का टाइम पीरियड है ये। शेरशाह वॉज द सन ऑफ अफगान जागीरदार, हिज नेम वॉज फरीद खान, ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ शेर आफ्टर किल्ड अ टाइगर। इंडिया में साउथ में टीपू सुल्तान है, उन्हें टाइगर ऑफ मैसूर का टाइगर बोला जाता है, तो वही है, उन्होंने भी एक टाइगर को मारा था, इस वजह से उन्हें टाइगर मैसूर का टाइगर कहा जाता है। वहीं पर इसे शेर शाह क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन्हें शेर को मारा था, उन्होंने उस पर विजय प्राप्त की थी, शेर शाह सूरी। ओके, सो बिकॉज ही किल्ड अ टाइगर ही वॉज टाइटल्ड एज शेर। शेरशाह कॉन्कर्ड अ नंबर ऑफ राजपूत स्टेट्स, ही एक्सटेंडेड हिज एम्पायर फ्रॉम झेलम इन द वेस्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट फ्रॉम द हिमालयाज ऑफ द नॉर्थ सॉरी हिमालयाज इन द नॉर्थ टू मालवा इन द साउथ। तो हम बात करें ईस्ट से लेकर वेस्ट तक उसने खूब अपने एम्पायर को एक्सपैंड किया। ही डिफीटेड हुमायूं एट चौसा, हमने देखा चौसा में उन्होंने हुमायूं को हराया 1539 में, और उसके अगले हुमायूं उसके अगले साल भी उन्होंने 1540 में भी हराया था उन्हें, और कन्नौज, उन्होंने दो बार हुमायूं को हराया था चौसा में और कन्नौज में, और इस तरीके से उन्होंने दिल्ली को ले लिया, किससे, हुमायूं से। ही डाइड इन 1545, मीन्स 5 साल के बाद ही उनकी डेथ हो जाती है, एंड उन्हें दफना दिया जाता है सासाराम में। अब ऐसा है कि अगले 10 साल कौन रहा, अब जब इनकी डेथ हो गई तो जो सूर डायनेस्टी के जो और छोटे छोटे रूलर्स थे ना, उन्होंने रूल ओवर किया। अब 1555 में वापस से हुमायूं आते हैं और इस डायनेस्टी को अपने में मिला लेते हैं। वो हम जो लेफ्ट ओवर पैराग्राफ था वो हम देखेंगे। हुमायूं एस्केप्ड टू पर्शिया वेयर द शाह ऑफ पर्शिया गेव हिम रिफ्यूज। अब जब शेरशाह सूरी ने दो वॉर में हरा के दिल्ली ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो जो हुमायूं हैं वो चले जाते हैं पर्शिया। पर्शिया में उन्हें पर्शिया के राजा शरण देते हैं, और उन्हें रिफ्यूजी मीन्स उनको अपनी शरण में लेते हैं, आप हमारे यहाँ रह सकते हैं। इन AD 1555, अब आ गया वो वाला टाइम पीरियड जब हुमायूं इंडिया में आते हैं। हुमायूं रिटर्न टू इंडिया एंड रीगेन द टेरिटरीज विच ही हैड लॉस्ट। ही डाइड इन 1556 इन एन एक्सीडेंट, ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन अकबर। अब 1555 में वो लौटते हैं इंडिया की तरफ, अपने आप को रीयूनाइट करते हुए कि अब तो बहुत टाइम हो गया, अब तो बड़ी सी आर्मी खड़ी करके इस सूर डायनेस्टी को हरा के वापस से मुगल डायनेस्टी को इंडिया में टू कवर करना है। सो 1555 ही केम टू इंडिया एंड ही डिफीटेड द किंग ऑफ सूर डायनेस्टी, एंड आफ्टर दैट मुगल डायनेस्टी वापस से इंडिया के अंदर आ जाती है, एंड एक साल बाद उनकी डेथ हो जाती है, एंड उस डायनेस्टी को अब नेक्स्ट रूलर रूल ओवर करेंगे, एंड वो है उनके सन अकबर, अकबर द ग्रेट हम जिसे बोलते हैं। सो बाय दिस क्लास वी हैव डन टू टॉपिक्स, फर्स्ट इज हुमायूं एंड द सेकेंड वन इज शेरशाह। हुमायूं एल्डेस्ट सन ऑफ बाबर, उनके तीन भाई हैं, कामरान से थोड़ी ज़्यादा उनकी एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, अफगान रूलर उन्हें परेशान कर रहे, बहादुर शाह ज़फर उन्हें परेशान कर रहे थे, बट फिर भी उन्होंने सब पर काबू रखा। एक बार उन्होंने शेरशाह सूरी को हराया तो वो गुजरात की तरफ गए, गुजरात को जैसे उन्होंने कॉन्कर किया शेरशाह वापस आया और उन्होंने हुमायूं को हरा दिया। उन्होंने कन्नौज में उन्हें हराया, उन्होंने चौसा में उन्हें हराया, और इस वजह से उनसे दिल्ली ले ली। 15 साल तक सूर डायनेस्टी फिर रूल ओवर करती है, फिर वापस 15 साल बाद हुमायूं पर्शिया से आते हैं और दिल्ली पर वापस अपनी हुकूमत जमा लेते हैं। उसके बाद मुगल डायनेस्टी कंटिन्यू चलती है 1857 तक, अगर हम लास्ट रूलर की बात करें तो तब तक। सूर डायनेस्टी के बारे में भी हम लोगों ने डिटेल देख ली है।